को खोलना है। मेकर वाली आईडी को खोल के उसमें ही हम वेंडर क्रिएट करेंगे। तो मेकर की आईडी खोलते हैं। सबसे पहले जो भी आपने मेकर की आईडी बनाई थी, पासवर्ड डालेंगे, एक कैप्चा डालेंगे और ये कैप्चा डाल के आईडी को खोलेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है जैसे हमारा लग रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे हम। अब हम वेंडर क्रिएट करना सीखेंगे कि वेंडर क्रिएट होता कैसे है, इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले ये मेकर की आईडी खुल गई है, इसमें हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे और वेंडर है, वेंडर पे हम डबल क्लिक करेंगे। जब हम वेंडर पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ वेंडर क्रिएट, वेंडर लिस्ट, वेंडर अपडेट, वेंडर डिलीट, वेंडर ग्रुपिंग, तो इसमें वेंडर लिस्ट में पूरे अपने हरियाणा की लिस्ट आ जाएगी। वेंडर अपडेट, किसी वेंडर का कोई कुछ अपडेट करना है तो उससे हम कर सकते हैं। वेंडर डिलीट, अब हम वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं यदि हम से गलत वेंडर बन गया है या कोई वेंडर हमें अपना डिलीट करना है तो। वेंडर ग्रुपिंग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वेंडर ग्रुपिंग की। वेंडर ग्रुपिंग बाद में सीखेंगे, सबसे पहले करते हैं हम वेंडर क्रिएट करते कैसे। तो वेंडर में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे क्रिएट वेंडर। जब क्रिएट वेंडर करेंगे हम तो सबसे पहले सिंगल और बल्क, हम बल्क में भी बना सकते हैं सिंगल में भी। जैसे हम सिंगल बनाना सीखेंगे, सिंगल करेंगे तो हमारे पास ये पेज आएगा। सबसे पहले स्कीम नेम, जो हमारे पास केवल अभी एक ही है, SSC हरियाणा HR 187। वेंडर टाइप, यदि आप किसी पर्सनल व्यक्ति का बना रहे हैं तो आप पर्सनल डाल सकते हैं, या किसी फर्म का बना रहे हैं तो आप कमर्शियल डाल सकते हैं। जैसे मैं किसी पर्सनल आदमी का बनाना है, पर्सनल करेंगे। वेंडर टाइप में अदर ही रहने देंगे। अब यहाँ वेंडर का नाम डाल देंगे, यहाँ पे वेंडर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पे स्टार नहीं है, टिन नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, ये पैन नंबर, इन पे स्टार नहीं है, तो ये आप डालो तो डाल दें, नहीं डालें तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद एड्रेस डिटेल, जिसकी भी आप बना रहे हो उसके एड्रेस डिटेल डालनी पड़ेगी। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक, पंचायत और मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन एड्रेस कंपलसरी है, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आप वेंडर क्रिएट कर रहे हो उसकी बैंक डिटेल, बैंक डिटेल के लिए बैंक का नाम आ जाएगा, स्टेट कौन सा है वो आ जाएगा। जैसे बैंक के नाम आ जाएंगे, आप जब बैंक पे क्लिक करेंगे तो बैंक के नाम आ जाएंगे, आप जिसका भी कर रहे हो उसका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट की, वो कौन से स्टेट में है बैंक, तो स्टेट आ जाएगा। ब्रांच यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। IFSC कोड आप डाल देंगे। अकाउंट नंबर भरेंगे और अकाउंट टाइप, सेविंग है तो आप सेविंग भरेंगे, और किसी का यदि करंट अकाउंट है तो करंट भर देंगे। और चेक करेंगे, चेक में यहाँ बताएगा कि ये अकाउंट नंबर सही है या नहीं, या पहले इसकी स्केयर अप पे आईडी बन चुकी है या नहीं। इसके बाद इतना काम करने के बाद हम करेंगे इसको वेंडर को अप्रूव कराने के लिए भेजेंगे चेकर के पास। वेंडर को हम किसी भी एक चेकर से अप्रूव करा सकते हैं, मेनली हम हेड से ही कराते हैं। तो यहाँ पे जब आप करेंगे सेलेक्ट डेजिग्नेशन, जो भी आपने आईडी बनाई थी चेकर मेकर की, वो सारी आपके यहाँ आ जाएंगी। उनमें से आपको जिसके पास भेजना है, जैसे मैं हेड के पास भेजता हूँ तो यहाँ हेड की आईडी आ जाएगी। सेलेक्ट एम्प्लॉई, जो ये आईडी भरी थी, ये याद रखना जो हमने आईडी बनाई थी वही स्पेलिंग होनी चाहिए, तभी आपका नाम आएगा। और यहाँ नाम करके यहाँ फाइल में हमें लिखना है प्लीज़
अप्रूव। प्लीज़ अप्रूव, और हमें सेव कर देना है। इस प्रकार हम एक वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। इसे अगली वीडियो में देखेंगे वेंडर को अप्रूव कैसे करना है। इतने में आप सभी का धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। बाकी यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।